हेलो एवरीवन, सादर नमस्कार। एनआर हिंदी सीक्रेट डायरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस। खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबी दबी पावों से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है, क्योंकि यह हमारे महफिल की जान है। माननीय प्रधानाचार्य जी, महोदया जी और पधारे गए अतिथिगण का सादर अभिनंदन। आज इस दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इस गौरवशाली दिन पे अपनी बात रखने के लिए और मुझे मंच प्रदान करने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस दिन से इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब से ही शिक्षा का बेहतरीन संचार और व्यवहारिक परीक्षण का सामंजस्य और अन्य कलाओं को ध्यान में रखा गया है और स्पोर्ट्स को भी विशेष महत्व दिया गया है, ताकि बच्चे जिस क्षेत्र में भी अपनी कला को निखारना चाहे वो उसमें जा सकते हैं। इतना ही नहीं, गुरु के सानिध्य में ज्ञान का निरंतर और सतत विकास होता रहा है, ताकि यहाँ के विद्यार्थी सक्षम नागरिक बन के उभरे। इसलिए विद्यालय एक शिक्षित समाज की नींव रखने की पाठशाला है। मैं तो इतना ही कहूँगी, हम तो कोरे कागज थे, किनारा आपने दिखाया, हर एक फूल को पल्लवित आपने बनाया। यह सिर्फ पाठशाला नहीं, शिक्षा का मंदिर है। यहाँ हर एक फूल का अपना अलग ही अस्तित्व है। अब सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आज की मुख्य अतिथि सर्स को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और सब विद्यार्थियों से निवेदन करती हूँ कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर मुख्य अतिथि सर का तालियों के साथ स्वागत करें। क्या तारीफ करूं सर मैं आपकी, अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। आपकी उपलब्धि को बताने लगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ना हर समुन्द्र में मोती सदा खिलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। थैंक यू सो मच।